कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रविवार को महवा मंडी में 1000 आढ़तियों, पहरकारों, पल्लेदारों और वाहन चालकों का थर्मल स्कैनिंग कराई गई। इस संबंध में मंडी सचिव सेवाराम वर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मंडी में आढ़तियों, पहरेकारों, मुनीब और जितने भी पल्लेदार हैं, नागरिक सुरक्षा कोर के द्वारा उनके थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही है। इसके पूर्व भी मंडी में थर्मल स्कैनिंग कराई जा चुकी है, आगे भी समय समय पर थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी, जिससे कि मंडी में संक्रमण ना फैले। थर्मल स्कैनिंग के दौरान अगर कोई संदिग्ध मिलता है तो तत्काल एम्बुलेंस को बुलाकर उसको जिला अस्पताल भिजवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मंडी सचिव सेवाराम वर्मा ने कहा, मोबाइल नंबर बोले और लेबर को 36-3 नोट करिए, 36-3। हाँ 36-1 उधर जाइए। नाम क्या है? वही रुकिए, क्या नाम है? शिवजी सिंह। 39 नाम बोला, 35-9 टेम्परेचर 35-5 सूरज 36-3। नाम बोलो, नाम बोलो, नाम क्या है? मंडी से कोरोना वायरस से बचाव के लिए मंडी स्थल के सभी आढ़तियों, उनके पूरे स्टाफ, पल्लेदार, अकाउंटेंट, मुनीम, जितने भी लोग हैं, सबकी थर्मल स्कैनिंग का काम नागरिक सुरक्षा कोर के जवानों के माध्यम से आज कराया जा रहा है। इसके पूर्व भी इनके माध्यम से कराया गया है, आगे भी टाइम टू टाइम स्कैनिंग का काम चलता रहेगा। शाम के टाइम ये मंडी में आने वाले इस वक्त ये वाहन चालकों, पैकारों, फुटकर विक्रेताओं का थर्मल स्कैनिंग काम कराया जाता है और ये प्रक्रिया बराबर चलती रहेगी। कितने लोग अब तक हो चुका है थर्मल स्कैनिंग काम? 1000 से अधिक लोगों के थर्मल स्कैनिंग कराई जा चुकी है और ऐसे भी थर्मल स्कैनिंग कल लोग कराते रहते हैं जिसमें बराबर सबका नाम नहीं लिखा जाता है और उनकी जांच करते हैं। अगर ऐसा कोई प्रकरण मिलता है जिसमें कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको नोटिस करने के निर्देश हैं। फिलहाल अभी तक कोई संदिग्ध नहीं मिला, संदिग्ध कोई भी मिलेगा तो निर्देश है तुरंत CMO साहब को इन्फॉर्म किया जाएगा और जो भी उसके लिए कार्रवाई आवश्यक है वो कराया जाएगा।